सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। आज हम विटामिन्स वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इसमें जनरल साइंस का जो विटामिन्स में मैंने स्टार्ट किया था, इसमें इसकी ये सेकेंड वीडियो है। इसका फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने विटामिन्स के बारे में बताया था क्या होते हैं, कितने ग्रुप्स में किस तरीके से डिवीजन होता है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के विटामिन्स और उनके सोर्सेस, और उसके अलावा उनकी डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाई थी। अगर आपको ये वीडियो समझनी है और ज़्यादा अच्छे से, तो प्लीज़ पहले प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए और उसके बाद में आप इन क्वेश्चंस को ईजिली अटेम्प्ट कर पाएँ। आज की इस वीडियो में हम विटामिन्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, विटामिन्स हो चाहे विटामिन्स, आप जो इसको प्रोनाउंस करते हो वो करेक्ट है। तो इसके आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं डिस्कस, कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बेस्ड इसके ऊपर आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन स्टोर्स फैट सॉल्युबल विटामिन्स। कौन सा ऑर्गन ह्यूमन बॉडी में फैट सॉल्युबल विटामिन्स को स्टोर करता है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था विटामिन्स दो टाइप में होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तो यहाँ पे फैट सॉल्युबल का पूछा हुआ है, तो इसका आंसर है लिवर। जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दे रखे हैं, इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आ सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपना पेपर पेन लेकर बैठिएगा, ताकि आप उसको नोट कर पाएं। नाउ इसका आंसर है लिवर। अब लिवर के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ये हमारी ह्यूमन बॉडी में राइट साइड पे होता है, डायफ्राम के नीचे और स्टमक के बिल्कुल ऊपर होता है। अब इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है, और इसका जो वेट होता है, साइज की बात करें तो वो 1.4 से 1.5 केजी के बीच का अप्रॉक्स होता है, ठीक है। अब इसके अलावा लिवर में फैट सॉल्युबल विटामिन्स को स्टोर किया जाता है, और इसके अलावा विटामिन ए लिवर के थ्रू प्रोड्यूस भी किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज नोन एज विटामिन B1। किसको विटामिन B1 भी बोला जाता है? तो आंसर है थायमिन। अभी जो मैंने लास्ट वीडियो में कराया था आपको, उसमें मैंने ईच एंड एवरी विटामिन की सब कैटेगरी लिखी थी, और उनका साइंटिफिक नेम या फिर साइंस की टर्म्स में उसको क्या बोलते हैं, ये चीज़ें मैंने उसके इक्वल्स टू में आपको बताई थी। तो प्लीज़ पहले उनको लर्न कीजिएगा, अगर आपको वो लर्न होंगी तो आप इसे इजीली कर पाएंगे। तो विटामिन B1 का नाम है थायमिन। आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, इसके अलावा आपको 3-4 ऑप्शंस भी दे दिए जाएंगे कि इनमें से कौन से वाला विटामिन B1 होता है। तो आपको आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि थायमिन को विटामिन B1 भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन्स कीप द आईज हेल्थी। कौन सा विटामिन आईज के लिए, हमारी आंखों के लिए बेस्ट होता है, बहुत अच्छा होता है और आईज को हेल्दी रखता है? तो आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए के लिए ऑरेंज कलर के फ्रूट्स लाइक कैरेट, मैंगो या फिर वेजिटेबल्स, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा लेवल पर विटामिन ए पाया जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि कौन से विटामिन के लिए कौन सा सोर्स बेस्ट है, किस सोर्स से, फूड या वेजिटेबल से हमें कौन से वाला विटामिन मिलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, इन ह्यूमन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर देयर। ह्यूमंस में वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कितने टाइप की होती हैं, या कितना नंबर होता है उनका? तो आंसर है 9। अब देखिए कैसे, ब्रॉडली अगर हम बात करें तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। बट विटामिन बी की बहुत सारी सब कैटेगरीज होती हैं, जिसकी वजह से ये टोटल 9 हो जाते हैं। अब देखिए 9 कैसे है, विटामिन B1, B3, B6, B9, विटामिन B2, B5, B7, B12, ये 4, ये 8 हो गई यहाँ पे, और एक विटामिन सी। तो टोटल वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आपके पास 9 आती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए, और एक एक चीज़ को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डैश इज़ द मेन कॉज फॉर बेरी बेरी डिजीज़। इनमें से किस विटामिन की कमी की वजह से बेरी बेरी डिजीज़ हो जाती है? आंसर है विटामिन बी और B1। अगर आपके पास ऑप्शंस में विटामिन बी दे रखा हो, सी दे रखा हो, ए डी ये दे रखे हो, तो आप बी टिक करेंगे। बट अगर इन केस आपके पास
एग्जाम में सब कैटेगरीज दे रखी हो तो आप B1 भी टिक कर सकते हैं। तो ये विटामिन्स हैं, विटामिन बी, जिसकी वजह से बेरी बेरी डिजीज होती है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है, तो प्लीज़ इसको लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी। आंसर इज विटामिन B1-2। कौन सी वाली विटामिन का क्या नाम है, क्या सोर्स है, इसका मैंने प्रीवियस वीडियो में एक एक चीज़ को समझाया था। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को पहले देखिएगा और उसके बाद इसको सुनिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन ए वॉज डिस्कवर्ड इन विच ईयर। विटामिन ए कौन से ईयर में डिस्कवर हुई थी और किसने डिस्कवर करी थी? आंसर है 1912 बायोकेमिस्ट फेडरिक गॉलन हॉपकिंस। इन्होंने विटामिन ए को डिस्कवर किया था और ईयर था 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन लीवर डैमेज इज कॉज ड्यू टू द ओवरडोज ऑफ विच विटामिन्स। मीन्स कि कौन सी ऐसे विटामिन है जिसका अगर हम ओवरडोज कर लें या एक्सेस में उसको ले लें तो उससे हमारा लिवर डैमेज हो जाता है। आंसर है विटामिन B3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द विटामिन विच आर असेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ द ब्रेन। हमारी बॉडी में ब्रेन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लिए, हमारे ईच एंड एवरी फंक्शन की मतलब डिटेल्स, किस तरीके से वो फंक्शन परफॉर्म होगा, किस टाइप से उसको करना है। तो हमारी बॉडी में जो मेन वर्क होता है वो ब्रेन का होता है या फिर हमारे ह्यूमन हार्ट का होता है। तो अब इसमें क्वेश्चन है कि ब्रेन के लिए, ब्रेन की हेल्थ के लिए, उसको ठीक रखने के लिए, उसकी फंक्शनिंग एक्टिविटीज़ को एकदम करेक्ट ऑर्डर में रखने के लिए कौन से विटामिन इम्पॉर्टेंट होता है? आंसर है विटामिन B6, B9 एंड B12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन विच टेक पार्ट्स इन ब्लड क्लोटिंग। कौन सा वाला विटामिन है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्पफुल होता है? आंसर है विटामिन K। ब्लड क्लोटिंग मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में एक्सप्लेन भी करा था। ब्लड क्लोटिंग का मतलब होता है जब हमारा खून इकट्ठा होके जमने लग जाता है। थोड़ी बहुत चोट जब हमें लगती है तो हम देखते हैं कि थोड़े टाइम बाद में वो हमारा जो ब्लड है, खून है, वो अपने आप ही क्लोट करने लग जाता है। तो वो विटामिन K की वजह से ही होता है। ऐसा नहीं है सिर्फ विटामिन K की वजह से, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स इसमें ऐड होते हैं, बट जो इसमें की पॉइंट होता है वो विटामिन K होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर विटामिन वॉज। किसने विटामिन्स को डिस्कवर किया था? 1912 में विटामिन ए को भी डिस्कवर किया था और विटामिन वर्ड भी जो आया था वो भी 1912 में ही आया था। और विटामिन्स वर्ड को डिस्कवर करने वाले इंसान का नाम है सी फंक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ऑफन एक्ट एज को एंजाइम। जो विटामिन्स होते हैं वो और किस तरीके से एक्ट करती हैं? वो को एंजाइम की तरीके से एक्ट करती हैं। को एंजाइम्स क्या होते हैं? बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस में ये पार्टिसिपेट करते हैं और ये खुद से किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी कोएंजाइम को यूज़ करके एक किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करवा सकते हैं, बस ये रिएक्शन कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज असेंशियल फॉर द डेवलपमेंट्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का मतलब होता है लाल रक्त कणिकाएं, RBCs। अब इनको, इनकी डेवलपमेंट के लिए कौन सा वाला विटामिन असेंशियल है? तो आंसर इज विटामिन B1-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टेरॉयड विटामिन इज। स्टेरॉयड विटामिन कौन सा होता है? विटामिन D। स्टेरॉयड जैसा स्ट्रक्चर कौन से वाले विटामिन का होता है? विटामिन डी का होता है। विटामिन डी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारी बॉडी में कैल्शियम, फॉस्फोरस और अदर मिनरलाइजेशन प्रोसेस बोन्स में जो होते हैं उसको रेगुलेट, उसके लेवल को बॉडी में रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओवरडोज ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन डी कॉजेस हाइपर विटामिनोसिस। हाइपर विटामिनोसिस का मतलब ये है कि कोई भी विटामिन हो सकता है। यहाँ पे जो हमें विटामिन ए एंड विटामिन डी दे रखा है ये हमें जस्ट कन्फ्यूजन के लिए दे रखा है। यहाँ पे विटामिन ए एंड डी की जगह कोई भी विटामिन हो सकता है। अगर आप किसी भी विटामिन का ओवरडोज करते हैं तो जो भी डिजीज़ आया, आप जो सिम्टम्स देखेंगे वो हाइपर विटामिनोसिस के होंगे, कि उस विटामिन का हमारी बॉडी में एक्सेस लेवल पे हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज डू फॉलिक एसिड एंड द पेंथोथोनिक एसिड बिलोंग। आंसर इज विटामिन B कॉम्प्लेक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के. ये विटामिन के लिए आपका सेकंड क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर बताया था, क्वेश्चन नंबर 10. इसमें आपको मैंने बताया था कि ब्लड क्लोटिंग, सेम यही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको घुमा के दे रखा है. और इसी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पढ़ा हुआ आता है, बट क्वेश्चन को इस तरीके से वो हमारे सामने रखते हैं, इस तरीके से उसको घुमा देते हैं कि हमें कई बार लगता है कि इसका आंसर हमें नहीं आता है. तो इसमें क्वेश्चन बोला हुआ है कि कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, अगर कॉन्टिन्यूसली ब्लीडिंग होने लग जाती है किसी भी इंजर्ड पार्ट से बॉडी के, तो वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है. तो आंसर है विटामिन के. विटामिन के की डेफिशिएंसी होने से जो हमारा ब्लड है वो क्लोट करना स्टार्ट नहीं करता, ब्लड जमना स्टार्ट नहीं करता. सो आंसर इज विटामिन के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड प्रिवेंट्स. विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड किससे प्रिवेंट करते हैं? आंसर इज स्कर्वी. तो ये कुछ क्वेश्चंस है विटामिन्स के ऊपर. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़.